एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय का मतलब होता है इम्प्रेस्ड बाय, यानी असर है या प्रभावित है या मुतासिर है। कहने का मतलब है कि अक्सर आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप लास्ट में कहते हैं किसी चीज का मुझ पर असर है, या मैं किसी चीज से प्रभावित हूं, या मैं किसी चीज से मुतासिर हूं। तो चाहे आप कहें प्रभावित हूं या मुतासिर हूं या असर है, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे इन्फ्लुएंस्ड बाई। आप ये भी कह सकते हैं इम्प्रेस्ड बाई। कैसे बोल सकते हैं आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से मालूम हो सके। अगर आपको कहना हो मैं आपसे मुतासिर हूं, या मैं आपसे प्रभावित हूं, या मुझ पर आपका असर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई यू। आप ये भी कह सकते हैं आई एम इम्प्रेस्ड बाई यू, यानी मैं आपसे प्रभावित हूँ, मैं आपसे मुतासिर हूँ, या मुझ पर आपका असर है। आइए जरा इसके स्ट्रक्चर पर गौर कर लें। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप बोलेंगे इजारम अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो। बाय द वे अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो तो आप बोलेंगे वाज वर। उसके बाद आप बोलेंगे इन्फ्लुएंस्ड बाय या इम्प्रेस्ड बाय। फिर आप बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट यानी आप जिससे प्रभावित हैं उसका जिक्र आप बाई के बाद करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपकी टीचिंग से प्रभावित हूँ, या मैं आपकी टीचिंग से मुतासिर हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई योर टीचिंग। आप ये भी कह सकते हैं आई एम इम्प्रेस्ड बाई योर टीचिंग, यानी मैं आपकी टीचिंग से प्रभावित हूँ या मुतासिर हूँ। अगर आपको कहना हो वह उससे प्रभावित है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम। आप ये भी कह सकते हैं सी इज इम्प्रेस्ड बाई हिम, यानी वह उससे प्रभावित है। मैं आपके महान काम से प्रभावित हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई योर ग्रेट वर्क। आप ये भी कह सकते हैं आई एम इम्प्रेस्ड बाई योर ग्रेट वर्क, यानी मैं आपके इस महान काम से प्रभावित हूँ। अगर आपको कहना हो मैं उसके भाषण से प्रभावित था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज स्पीच। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज स्पीच, यानी मैं उसके भाषण से मुतासिर था या प्रभावित था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इन्फ्लुएंस्ड बाई या इम्प्रेस्ड बाई का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी चीज से मुतासिर होना या प्रभावित होना। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।